पहली बार देख रहे हो तो मुनाली जिले में ऐसी कॉल है तो बैठ के तो लोग नहा लेते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी टिक्का टू यू। तो आज 15th ऑफ नवंबर है और आज हम आए हैं ओकीरा फॉल्स। अभी मैं और आदित्य, मोना और अर्पित पीछे हैं, वो आ रहे हैं। ये हम 1.4 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए जाएंगे। आगे बहुत प्यारी ओकीरा वाटरफॉल है जिसका बहुत तगड़ा करंट होता है। 15% ऑफ न्यूजीलैंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होती है। और अभी हम 1.4 किलोमीटर जाएंगे नीचे। वहाँ पे हमें केव भी दिखेगी जहाँ पे ट्रेडिशनल ट्राइब्स हुए, मौरीज के जो एंसेस्टर्स थे, जब उनका लड़ाई झगड़ा होता था तो लेडीज और बच्चे उस केव में जाके छुप जाते थे जब इनके ट्राइबल वॉर्स होते थे। तो आज बारिश भी हो रही है, हम अम्ब्रेला साथ लेकर आए हैं, लेकिन इसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और नेक्स्ट वीक हम जाएंगे हुक्का फॉल, वहाँ पे राफ्टिंग भी होती है। तो ये देखो कितना प्यारा रेन फॉरेस्ट है ये। और अब आप कहोगे कि भाई ये हुक्का फॉल में, सॉरी कौन सी फॉल बेटा, ये ओकीरा फॉल में इतना सारा पानी कहाँ से आता है, क्योंकि इस आइलैंड में यहाँ पे बर्फ तो है ही नहीं। सारी बर्फ हमारी कहाँ पे, साउथ आइलैंड में ना, क्राइस्ट चर्च के वहाँ पर। लेकिन बीच में इसकी जो है ये निचाई वाला हिस्सा है, तो वो उधर की बर्फ का पानी सारा समुंदर से होता हुआ यहाँ पे, सी लेवल भी ऊपर नीचे इतना होता है कि वो वाला पानी सारा यहाँ पर आता है। और इतना ब्लू और एक क्रिस्टल वाटर फुल ऑफ ऑक्सीजन है। तो अभी आगे आपको कहते हैं, अभी तो हमने सिर्फ एंटर ही किया, तो प्लीज साथ रहें हमारे। वाह टूटू, इधर शो में भी ऐसी ग्रीनरी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। गाइस वो सामने देख रहे हैं, वहां हमने अपनी गाड़ी पार्क किया, देखो वो आपको थोड़े पिलर्स भी दिख रहे हैं। वहां से हम इतना नीचे आ चुके हैं, अभी हमें और अप्रोक्सीमेट 240 feet और नीचे जाना है और फिर हमको केव और वाटरफॉल के पास पहुंचेंगे। अम्ब्रेला हम लेकर आए हैं, लेकिन अम्ब्रेला की जरूरत ही नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। लेकिन ये पेड़ ही यहाँ पे इतने अच्छे हैं, ठीक और घने हैं। देखो पूरी अम्ब्रेला शेप के ही पेड़ है और हम बिल्कुल नहीं भीग रहे। ऐसे तो लोग अपने गार्डन में आर्टिफिशियल ट्रीज लगाते हैं। और ये देखो न्यूजीलैंड का रेन फॉरेस्ट ओकीरा फॉल। ट्राउट पॉल फॉल्स वो है जहाँ से हमने शुरुआत की है, ठीक है। आई मोस्ट सेवन टूटी के 5 मिनट टूटी फॉल एंड राफ्टिंग ट्रिप व्यूइंग 5 मिनट। चलो जैसे मणिकरण वाली हमने बनाई थी, कितनी अच्छी वीडियो बनी थी। मणिकरण ऑफ न्यूजीलैंड, ताकि अर्पित और मोना भी गए।
देखो जी दूधिया वाटरफॉल। डियर आदित्य, इस पॉइंट का नाम है व्हाइट वाटर राफ्टिंग इन 1990 द ओकीरा एवा रिवर एक्सप्लोडेड ऑनटू द व्हाइट वाटर वर्ल्ड मैप व्हेन इट बिकम नोन दैट इट हैड द वर्ल्ड हाईएस्ट कमर्शियली राफ्टेड वाटरफॉल। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कमर्शियली राफ्टेड वाटरफॉल है ये, और यहाँ से राफ्ट आती है। अगर आप भी करोगे तो आपकी राफ्ट भी वहाँ से आएगी, आधी राफ्ट सीधी आ जाती है और आधी उल्टे जाती है, ये मैंने भी यूट्यूब में देखा है। वेलकम, केव शुरू हो गया है, अच्छा लग रहा है। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर पर केव ही लग रही है, देखें थोड़ी सी के बड़ी सी है। आ जाओ। ओ भाई ये केव को रखता जा रहा है। अमेजिंग व्यू है, अद्भुत नजारा, कुदरत। न्यूजीलैंड में तो नेचर की कमी है ही नहीं भाई, ग्रीनरी, वाटरफॉल, नो पॉल्यूशन, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, वंडरफुल क्लाइमेट, नाइस पीपल, ऑसम कंट्री। पढ़ना बेटा क्या लिखा दिखाओ। द केव सीलिंग इज लो, please watch your head, it is recommended to use a torch inside this cave. kitna andhera hai cave mein, main dar bhi raha hu, gadda sa hai. oh aage light mod rahi hai, I think aao ye beta dikhao, aage end hai na, ye light mein bhi kuch hai chote chote jaane ke right left mein, I think end hai. par kafi log yahan pe hide kar sakte honge ek zamane mein. पहाड़ी कितनी नीचे हम आ गए हैं, तो डिस्कवरी चैनल पे काम कर रहे हैं क्या हम? चलो डिस्कवरी वाले देख के शायद मुझे बुला लें क्या, और अनुराग कपूर आपको बहुत शौक है, आपको ले जाए, आ जाओ। तो देखो ये गुफा का बाहर, जय माता दी। आदित्य वो सिर्फ वो ये गुफा नहीं है, यहाँ भी केव है, आ जाओ। ये तो और बड़ी है, देखो यो, ये तो और बड़ी है, और ये उधर तो एंड था, लगता है ये वाली गुफा है जो कह रहे हैं बहुत बड़ी है, पर बोर्ड दे रहा है टाइम भी वापस कम है, थोड़ा और आगे तक दिखाओ आओ। ये देखो आगे से फिर वो लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, तो ये है सबसे बड़ी केव जो कि कह रहे थे 68 मीटर तक आगे तक है, पर यहाँ कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की चाह, और बहुत अंधेरा, थोड़ी सफोकेशन भी है, तो आई थिंक इतना ही बोलना हमारे लिए। हाँ थैंक यू केव, सी यू अगेन, लेट्स गो दोस्तों। उई कुछ नहीं, आदित्य ने मुझे अपना फोन दे दिया है टॉर्च के लिए, तो हम और आगे अंदर जाने की हिम्मत कर रहे हैं। ये देखो कैसे लेफ्ट मुड़ रही है, और जैसे वो नहीं था वो वाटर राइड में वो पाइप सा होता है सीधा, हम लोग लेफ्ट से जाते हैं। ये देखो अंदर जाके ये बहुत बड़ा हॉल भी बनना है, तो लगता है ये खत्म ही होने वाली के। तो ये है जहाँ पे एंशियंट मोरीज की ओल्ड लेडीज अलोंग विद द बच्चों के साथ, यहाँ पे जब उनके लड़ाई झगड़े होते थे कब कब क्या होते कभी लोग ट्राइबल वॉर, तो यहाँ वो छुपते थे, तो हमने दो के वो के दर्शन कर लिए। वाओ अमेजिंग, थैंक यू कैमरा मैन आदित्य, Albert, you have done a very wonderful job. तो दोस्तों चलें अब हम वापस, कहाँ पे? अर्पित और मोना के पास, राफ्टिंग पॉइंट में वो हमारी वेट कर रहे होंगे,
शाम हो गई है, राफ्टिंग तो पता नहीं हम नहीं कर पाएंगे, पर करेंगे जरूर एक दिन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको राफ्टिंग की दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोगों ने दो केव देख ली हैं, हमें बहुत मजा आया। हमें लगभग 25 से 28 मिनट लग गए थे नीचे आने में, लेकिन वर्थ फुल था। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, और भगवान करे आपको भी मौका मिले, आप भी यहाँ ज़रूर आएं और न्यूजीलैंड में नेचर का, कुदरत का भरपूर मज़ा लें।